नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दीवान और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दतिया कलेक्टर श्री आरपीएस जादौन ने किया गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण। अलीराजपुर जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एवं एनजीओ प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न। मतदाता जन जागरूकता प्रयास हेतु की गयी चर्चा। गुना जिले में मतदाताओं को प्रेरित करने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षकांड ने रोपा पीपल का पौधा। छिंदवाड़ा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनुराग सक्सेना ने महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में चल रहे मतदान दलों के प्रशिक्षण का किया निरीक्षण। और बालाघाट जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों में दिया गया मतदान करने का संदेश। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दतिया कलेक्टर श्री आरपीएस जादौन ने दतिया जिले में चल रहे गेहूं खरीदी केंद्र का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ग्राम खड़ुआ पहुंचकर गेहूं खरीदी की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने संस्था प्रमुख से बातचीत की और नियम अनुसार खरीदी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने रोहिणी वेयर हाउस पर संचालित केंद्र के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने गेहूं की बोरियों पर किसानों का कोड लिखने एवं SMS नियमित भेजने के भी निर्देश दिए। लोकसभा निर्वाचन के तहत अलीराजपुर जिले में अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें, इसके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों एनजीओ के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री शमीम उद्दीन ने निर्देश दिए कि 19 मई को मतदान दिवस को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों को संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए और उक्त दिवस पर मतदाताओं को अपने मताधिकार के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में जिले से गुजरात एवं अन्य स्थानों पर पलायन पर गए ग्रामीणों को मतदान हेतु प्रोत्साहित करते हुए मतदान दिवस पर अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान की प्रक्रिया में सहभागिता का आह्वान करने की बात कही गई। गुना कलेक्ट्रेट परिसर में लोकतंत्र का वृक्ष एक वोट देश के लिए एक वृक्ष परिवेश के लिए का संदेश देने एवं मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षकांड द्वारा पीपल का पौधा रोपा गया। उन्होंने एक वृक्ष लगाने एवं मतदान अवश्य करने का संकल्प लेने सभी से आह्वान किया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शिवानी रेखवार, डिप्टी कलेक्टर सुश्री नेहा सोनी एवं सुश्री विशाखा देशमुख सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद रहे एवं वृक्षारोपण भी किया। छिंदवाड़ा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनुराग सक्सेना ने महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में चल रहे मतदान दलों का प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन एवं विधानसभा उप निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी सहित मतदान अधिकारी 1 से 5 तक के सभी का प्रशिक्षण ऑडियो वीडियो के माध्यम से संपूर्ण मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शर्मा ने आदर्श मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान SDM श्री अतुल सिंह, नोडल अधिकारी प्रशिक्षण श्री NS बरकड़े एवं मास्टर ट्रेनर श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बालाघाट जिले में पिछले चुनावों में जिन ग्रामों में 45% से कम मतदान हुआ था, उन क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले में व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला पंचायत की मध्याह्न भोजन की क्वालिटी मॉनिटर सांत्वना अग्रवाल के नेतृत्व में जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों में कठपुतली एवं रैली के माध्यम से ग्रामीणों को मतदान करने का संदेश दिया गया। कठपुतली एवं रैली के माध्यम से ग्रामीणों को संदेश दिया कि वे 29 अप्रैल को सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करें। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाताओं को भी मतदान करने का संदेश दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि मतदान के दिन बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने एवं वापस घर तक ले जाने के लिए ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर का इंतजाम रहेगा। ऐसे लोगों की मदद के लिए दिव्यांग मित्र भी रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।